गाइस, कैसे हैं आप। मेरा नाम है सोहेल खान एंड आप देख रहे हैं सोहेल पथ के व्लॉग। आप मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है इसका नाम देख के चौंक गए होंगे, लेकिन हाँ अभी क्या मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर लिया है। तो अभी आप देख सकते हो हमारे सामने है ये पूरी राजसमंद डिस्ट्रिक्ट। अभी हम आए में हमारे मोहल्ले के ऊपर जो यहाँ पे ये हिली एरिया है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा मौसम हुआ हुआ है गाइस। हाँ, तो इस डिस्ट्रिक्ट में एक इस छोटे से डिस्ट्रिक्ट में आपका एक ये छोटा भाई भी रहता है, तो इसे भी सपोर्ट करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं हमारे मोहल्ले के ऊपर है राजसमंद फोर्ट, तो राजसमंद फोर्ट को देखने जा रहे हैं। मेरे पीछे है ये इजार, हेलो गाइस, इसको जानते हो, सियाब भाई वाली वीडियो में मेरे साथ था ये। तो इजार भाई कुछ बोलो। हाँ, भाई का चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और आगे से आगे बढ़ाएं, भाई को सपोर्ट दे पूरा। बिल्कुल फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है अभी बहुत, इसलिए सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स व्लॉग पर कंटिन्यू बने रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको राजसमंद फोर्ट। काफ़ी अच्छी लोकेशन हुई हुई है गाइस, आज बादल है चारों तरफ, काफ़ी सुहाना सा मौसम है, तो व्लॉग पर कंटिन्यू बने रहे हैं। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे काफ़ी हरियाली हुई हुई है, काफ़ी औसम मौसम हुआ हुआ है, देख सकते हो आप। तो राजसमंद फोर्ट पे आप देख सकते हो फोर्ट। तो आपको मैं इसकी हिस्ट्री बताता हूँ कि ये किसके द्वारा बनाया गया था। तो ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें गाइस। आप देख सकते हो हम आ चुके हैं राजसमंद फोर्ट पे। ये है राजसमंद फोर्ट जो राजसमंद में स्थित है। इस किले का निर्माण जो है वह राजा राज सिंह द्वारा कराया गया था फ्रेंड्स। तो इस किले की हिस्ट्री हम बताते हैं, तो ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहे हैं, ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप ना करें गाइस। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे है ये राजसमंद फोर्ट और यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन टाइप बना हुआ है, लेकिन ये गार्डन तो कम और जंगल जैसा ज़्यादा दिख रहा है अभी, क्योंकि बारिश का मौसम हुआ हुआ है, तो उसकी वजह से क्या है घास फूस काफ़ी बढ़ गए। तो यहाँ पर काफ़ी सारे महल वगैरह भी है, तो हम सबको देखेंगे और यहाँ की हिस्ट्री भी जानेंगे। तो ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहे हैं और यहाँ पे एक सनसेट पॉइंट है, तो सनसेट पॉइंट की लोकेशन पे भी जाएंगे हम। और अभी बच रहे हैं 4:30, तो अभी जाएंगे हम सनसेट पॉइंट, फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 2-3 महल भी है। तो ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहे फ्रेंड्स। आपको राजसमंद फोर्ट की हिस्ट्री बताता हूँ। राजसमंद फोर्ट जो है राजा राज सिंह द्वारा बनाया गया था। राजा राज सिंह जो है वो मेवाड़ वंश के राजा थे, आपको पता नहीं। तो राजा राज सिंह के वंश काल में काफी सारे किलों का निर्माण कराया गया, जिसके अंदर से काफी सारे निर्माण कराए गए, जिसके अंदर बहुत सारे किले प्रमुख है। इसमें एक राजसमंद का फोर्ट भी आता है। राजसमंद फोर्ट में काफ़ी सारे मंदिर वगैरह भी हैं और अभी हाल ही में यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, और सनसेट पॉइंट और कुछ पार्क वगैरह बनाए गए हैं, और जो पुराने किले थे उनको वापस से रिपेयर कराया गया है। तो महाराजा राजा राज सिंह जो थे उनके महल में एक मंदिर भी है और पास ही में मामा भानेज की दरगाह भी है। तो यहाँ पर सांप्रतिक सौहार्द देखने को मिलता है फ्रेंड्स। अगर आप कभी आते हो, विजिट करते हो, तो आप दोनों ही जगह पे जाएं, काफ़ी खूबसूरत सी जगह है और एक अच्छी सी दरगाह भी है यहाँ पर और एक मंदिर भी है।
आप देख सकते हो ये है रूठी रानी का महल, इसे बोलते हैं रूठी रानी का महल। वैसे अभी क्या नया डेवलपमेंट हुआ है तो इसको कैफेटेरिया के अंदर बदल दिया है, तो देखते हैं इसके अंदर का व्यू कैसा है। तो लेट्स गो फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये अंदर से जाने के रास्ता है, देखते हैं। ये है रूठी रानी का महल, देख सकते हो आप फ्रेंड्स। तो अभी चलते हैं हम महल के अंदर और आपको बताता हूँ क्या क्या बना हुआ है यहाँ पर। तो बताता हूँ मैं आपको। तो आप देख सकते हो ये है राजस्थान की जैव विविधता। यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ एनिमल है, तो ये है तेंदुआ लिपर्ट, इसे बोलते हैं लिपर्ट। हमारे यहाँ पे वैसे काफ़ी राजसमंद एरिया में काफ़ी पेंथर्स लिपर्ट्स वगैरह काफ़ी पाए जाते हैं। तो इन सब की ये यहाँ पे स्टेचू टाइप बना रखे हैं। और यहाँ पे ये है भालू स्लोथ पियर, ये भी देख सकते हो आप। तो यहाँ पे ये काफ़ी सारे मॉडल टाइप बनाए हुए हैं जो यहाँ की पारिस्थितिकी को बताते हैं और दर्शाते हैं और किस किस तरीके के एनिमल्स वगैरह यहाँ पे लीव करते हैं वो सब का बता रखा है यहाँ पर। आप देख सकते हो ये है किले के अंदर का व्यू। तो अब चलते हैं किले के ऊपर वाले फ्लोर पे, आपको बताता हूँ वहाँ पर क्या बना हुआ है। तो व्लॉग पर कंटिन्यू बने रहे फ्रेंड्स। तो ऊपर वाले फ्लोर पर जाने के लिए यहाँ से है ये सीढ़ियाँ, तो यहाँ से ही जाना पड़ेगा। ये रही यहाँ की ऊपर वाली रूफ, देख सकते हो फ्रेंड्स आप, काफी शानदार व्यू है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैं एक जगह बैठा हूँ, ये विंडो जैसा लग रहा है लेकिन एक फ्रेम जैसा लग रहा है एक्चुअल में ये। तो आप देख सकते हो यहाँ से दिख रही है राजसमंद लेक, काफी ऑसम व्यू आ रहा है यहाँ का। तो आप अगर विजिट करते हो यहाँ पर तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है विजिट करने के लिए राजसमंद और राजसमंद फोर्ट, और घूमने के लिए एक अच्छी जगह है। तो आप अगर यहाँ पे विजिट करते हो तो आप बाय बस करते हो तो बाय रोड एंड बाय ट्रेन दोनों रूट से आ सकते हो। तो राजसमंद है ये है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है तो यह उदयपुर संभाग में आती है और ये उदयपुर से लगभग 60 या 65 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर अगर आप आते हो तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी विजिटिंग प्लेस है यहाँ पर घूमने के लिए और काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है, तो आए विजिट करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर एक ये डैम जैसा बना हुआ है और काफ़ी अच्छी चित्रकारी देखने को मिलती है यहाँ पर। और राजसमंद में कैसे कैसे जलीय पक्षी वगैरह रहते हैं तो वहाँ की सब डिटेल यहाँ मिल जाएगी आपको, देख सकते हो आप। तो काफ़ी खूबसूरत सा किला है, यहाँ से हम राजसमंद लेक का व्यू देख सकते हैं पूरा। छोटी छोटी सी दो छतरियाँ, तीन छतरियाँ बनी हुई है यहाँ पे, तो उसमें खड़ा हुआ इधर काफ़ी ऑसम व्यू है फ्रेंड्स, देख सकते हो आप। जा रहे हैं दूसरे महल में, बताता हूँ वहाँ का व्यू। तो व्लॉग पर कंटिन्यू बने रहे फ्रेंड्स। हम आ चुके हैं इस वाले किले में। तो यहाँ तो इस किले के अंदर है एक रहस्यमय गुफा। ये गुफा जो है इस राजसमंद से स्टार्ट होती है और इसका एंड जो है वह चित्तौड़ में जाके खुलता है। तो आप देख सकते हो ये है वो गुफा। हैं व्लॉग का यहीं पर एंड। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें गाइस। तो मेरे Instagram के अकाउंट को भी फॉलो करें soelkhan7030। तो तब तक के लिए बने रहें व्लॉग पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय गाइस।